कहते हैं सावन में झूले का बहुत महत्व होता है, लेकिन अभी सावन नहीं है तो हम झूले की बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। इस वक्त हम मौजूद हैं शहडोल के झूला पुल में और सावन की बात हुई क्यों है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कहते हैं सावन में बहुत हरियाली होती है और झूला पुल में भी बहुत ज़्यादा हरियाली, और ये हरियाली किसके वजह से है इसका पूरा श्रेय नगर पालिका को जाता है। क्यों? क्योंकि जो झूला पुल के अगल बगल में जो सुंदरता दिखाने के लिए तालाब बनाए गए थे वो नगर पालिका की वजह से बहुत ही खूबसूरत हालत में है। उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा चमचमाती हुई है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है यहाँ पे। इतनी हरियाली शायद आपको इस वक्त बगीचों पे देखने को ना मिले। बाग बगीचों में जो आप हरियाली ढूंढते हैं वो नगर पालिका ने तालाब में मौजूद करके रखे। क्यों? 1 से 1.5 साल से यहाँ सफाई नहीं हुई है। तालाब की अगर आप हालत देखें तो कितनी ही अच्छी है, कितनी बुरी हालत करके रख दी गई है इस तालाब की। झूला पुल बनाया किस उद्देश्य से गया था कि जो लोग हैं उनका आकर्षण यहाँ पे आए, आकर्षित होकर के यहाँ पे आए। आकर्षण का केंद्र था शहडोल में झूला पुल, हर कोई जानता है। क्यों? इसके अनोखे होने की वजह से, इस पुल के अनोखे होने की वजह से। इसके सौंदर्यीकरण के लिए तालाब बनाए गए थे दोनों साइड पर, लेकिन नगर पालिका कभी भी इसकी सफाई नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। आप खुद देख सकते हैं, इसकी हालत देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1.5-2 साल से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनकी क्या राय है। आप लोग डेली यहाँ पे आते हो? नहीं आते हैं। कभी कभी तो कभी भी झूला पुल में सफाई देखी? ये जो तालाब बनाया गया है इसमें कभी भी सफाई होती देखी है? नहीं देखी। ये भैया कह रहे हैं पार्षद को बुलाने के लिए, तो आप बुलवाइए उनसे, हम भी बात करेंगे। बताइए कितने महीने से सफाई नहीं हुई होगी साल से? अरे हम देखे नहीं है तो हम क्या बताएं। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? नहीं पहली बार नहीं, कई बार आए, लेकिन हम ये नहीं जानते भाई सफाई करते नहीं देखे तो हम क्या बताएं कौन करता सफाई यहाँ। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी सफाई नहीं हुई। कि झूला पुल में आप डायरेक्ट एंट्री कैसे लेंगे? आइए कैमरामैन को हम कहेंगे कि वो दिखाए, डायरेक्ट एंट्री का सोर्स भी बनाया गया है, लेकिन नगर पालिका का इस पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं तालाब में, और कचरा भी बिल्कुल बराबर फेंका गया है, कोई सफाई नहीं है। और एंट्री मारने का एक और जगह है, ये देखिए ये जाली टूटी हुई है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन नगर पालिका इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कचरे की बात की जाए तो जहाँ से आपकी नज़र शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक आपको आराम से कचरा ही कचरा देखने को मिलेगा। मतलब आप लोगों को कभी परेशानी होती है इतनी गंदगी देख करके? कभी नगर पालिका को आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की है? यहाँ के लोकल होते तो बतलाते। अच्छा, आप यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो लोकल नहीं है तो फिर अगर आप कहीं दूसरी जगह से आए हैं और ये देख करके आपको कैसा लगता है सफाई के मामले में कैसा है यहाँ? सफाई के मामले में तो सही नहीं है, सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो ये लोकल नहीं थे भाई साहब, तो इन्होंने भी बताया कि हाँ सही नहीं है, जो काम होने चाहिए वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम चाहें कि नगर पालिका जल्द से जल्द झूला पुल है यहाँ पे जो तालाब स्थित है उसकी सफाई करें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ सपना तिवारी, धन्यवाद।